हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज। नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। लॉकडाउन के दिनों में जहां मंदिर बंद है और भक्तों को भी भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, ऐसे में दमोह के सबसे बड़े सबसे प्रसिद्ध दरबार मां बड़ी देवी मंदिर में महामां लक्ष्मी के वाहन उल्लू को तो दर्शन मिल गए। दरअसल ये दुर्लभ प्रजाति का उल्लू उस समय पुजारियों को नजर आया जब भी शाम के वक्त माता रानी की आरती करने के लिए पहुंचे थे, और उसके बाद ये नजारा देखकर भक्तों ने इसे माता रानी का चमत्कार बताया। दमोह की बड़ी देवी दरबार में शाम के वक्त पुजारी को एक दुर्लभ प्रजाति का उल्लू वैष्णो देवी की तर्ज पर करीब 300 सालों से दमोह में स्थित इस दरबार में दिखाई दिया। इस दरबार में मां वैष्णो देवी की तरह ही महामां काली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती की तीन प्रतिमाएं हैं। यहां पर नवरात्र के समय में हजारों भक्तों का आना जाना होता है। ऐसे में लॉकडाउन के वक्त जब मंदिर बंद है तो मां महालक्ष्मी के वाहन उल्लू का मंदिर में माता रानी का दर्शन करने के लिए पहुंचना भक्तों के लिए कौतूहल और आस्था का केंद्र बन गया। जब मंदिर के पुजारी ने दुर्लभ प्रजाति के उल्लू को यहां देखा तो वह भी आश्चर्यचकित हो गया, और उन्होंने कुछ देर तक उल्लू को माता रानी के चरणों में बैठे हुए देखा। फिर उसके बाद उसे जल भी पिलाया। उसके बाद पुजारी ने उल्लू को एक सुरक्षित स्थान पर बैठा दिया। जैसे ये बात माँ बड़ी देवी के भक्तों को पता चली तो भक्तों ने ऐसे माँ महालक्ष्मी का चमत्कार बताया। जय माई की। आज बड़ी देवी प्रांगण में अभी रात्रि में एक उल्लू जैसी प्रजाति का पक्षी माँ के दरबार में आया था। असहाय लग रहा था, उसको पानी वानी पिला के और उसको सुरक्षित स्थान पर रख दिया है। और यह उल्लू इनकी प्रजाति यहाँ पर पाई जाती हैं और रात्रि में ही यह निकलती हैं, लेकिन शायद यह प्यासा था, जैसा भी था, तो उसको देखा तो उसकी सेवा करके उसको सुरक्षित स्थान पर रख दिया।